आज माता रमाई का जन्मदिन है, 126वीं जयंती है और दो प्रोग्राम के लिए मैं सुबह से आया था। एक प्रोग्राम माता रमाई जी का हुआ, उसके साथ साथ सावित्रीबाई फूले जी का हुआ। दोनों माता जी का बहुत बड़ा योगदान इस समाज में है। उसी सिलसिले में मैं यहाँ हूँ। अंबेडकर मेमोरियल ट्रस्ट में आज माता रमाई का पोर्ट्रेट मैंने भेज दिया है। 6 महीने पहले मैं आया था, तब यहाँ पोर्ट्रेट खूब छोटा सा बाहर के बाजू में था। तभी मैंने अनाउंसमेंट की थी आने वाले समय में कि माता रमाई का पोस्टर पोर्ट्रेट अच्छा सा लगेगा। और यहाँ इसका इंस्टॉलमेंट हो गया जयंती के दिन पर। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टियों को कि जो नाम से माता रमाई के आज हॉल है वो परिपूर्ण हो गया इस समय समझता हूँ। और कुछ सर क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, तमाम जो देशवासी उनको? संदेश समाज को, जो वंचित समाज है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समाज है, ओबीसी समाज है, माइनॉरिटी समाज है, जो बाबा साहब के आज देश में करोड़ों से फॉलोअर्स हैं, संदेश एक ही है कि इसके पीछे माता रमाई का योगदान बहुत है। त्याग है, कष्ट है, इसके वजह से हम लोग उभर के आए। बाबा साहब ने क्रांति की, साथ नहीं मिलती थी तो बाबा साहब को ये आने में ज़रा दिक्कत आती थी। यही संदेश है कि ये त्याग को, कष्ट को माता रमाई ने दिएला बाबा साहब को साथ को भाई जान लो। डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी में आज माता रमाबाई का 126वां जन्म दिवस मनाया गया और मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज भीमराव यशवंत राव अम्बेडकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने रमाबाई का जो ओरिजिनल तस्वीर है उसकी एक कॉपी, एक शानदार उसको मंडवा के पोर्ट्रेट को और हमें दिया है, तो वो देख सकते हैं आप। और ये जो रमाबाई हॉल जो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में के नाम से है, तो आज वास्तव में ये हॉल पूर्ण रूप से ये एक उस स्थिति में आया जब हम बाबा रमाबाई को नमन करते हैं और इनके परपोत्र भीमराव यशवंत राव जी को धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने इतनी शानदार तस्वीर हमें भेंट की और ये शोभा इस हॉल के बढ़ाएंगी। और यहाँ जितने भी लोग आते हैं माता रमाबाई की तस्वीर को देख के निश्चित रूप से उनके जो आदर्श हैं, उनकी जीवनी है, उनकी जो त्याग की भावना थी जिसके कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपना अध्ययन पूरा किया और लाखों करोड़ों वंचित लोगों को एक आत्मसम्मान का जीवन दिया, उसके पीछे निश्चित रूप से रमाबाई जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस दिवस पे हम उनको बहुत याद करते हैं, नमन। युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि परिवार बहुत एक अहम एक इकाई है हमारे जीवन में, और जिस तरह से आज जो फंक्शन है और रमाबाई जी ने माता रमाबाई जी ने जिस तरह का त्याग किया अपने परिवार का के लिए, तो बच्चों को कैसे संभाला उस, तो आज के युवाओं को ये समझना ज़रूरी है कि अंतिम अल्टीमेटली जब आपके कोई काम आता है तो परिवार काम आता है, तो अपने परिवार को संजो के रखिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, जिस तरह की शिक्षा क्या महत्व बाबा साहब ने और माता रमाबाई ने बताया था, उसी तरह हम अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दें, खुद भी ग्रहण करें और खुद के विकास के साथ साथ अगर वंचित समाज से आते हैं तो हमारा ये दायित्व है। और युवाओं से भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि पे बैक टू सोसाइटी, समाज को कुछ वापस दें, क्योंकि समाज को आप जिस स्थिति में आप आते हो समाज का उस स्थिति में आपको लाने का बहुत बड़ा योगदान रहता है,
तो उसको पे बैक करना ज़रूरी होता है।